मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर 63.33% मतदान हुआ। हालांकि यहां इससे अधिक मतदान होने की उम्मीद थी। पहले चरण को पार करके मध्य प्रदेश का चुनावी रण अब दूसरे और तीसरे चरण की ओर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण यानी 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल और भोपाल में चुनाव होंगे। पहले तीसरे चरण में केवल 8 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण दूसरे चरण में सीट पर होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था और इस प्रकार अब तीसरे चरण में कुल 9 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस सहित कुल 144 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। तीसरे चरण में गुना, विदिशा और राजगढ़ जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला होगा। गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राजगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और अपने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरे चरण की 9 सीटों के लिए 144 उम्मीदवारों ने कुल 223 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन 61 उम्मीदवारों ने 99 नामांकन पत्र दाखिल किए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीट पर शुक्रवार को 63.33% मतदान हुआ। राज्य की 29 लोकसभा सीट में से शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ है। ये 6 लोकसभा क्षेत्र 13 जिलों में और 47 विधानसभा क्षेत्र में फैले हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 6 सीट टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल और भोपाल में चुनाव होंगे। चौथे चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, इंदौर लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे।